दिनचर्या शुरू हो गया है, विच आई डोंट लाइक। चाहिए था, क्या चाहिए था लाइफ में? हर आदमी का अपना एक लेवल होता है कि चलो ठीक है ये करेंगे वो करेंगे, ड्रीम होता है। लेकिन ड्रीम में नौकरी नहीं थी मेरी, बाकी सब ठीक था। नौकरी नहीं करता सब चल जाता, सब एडजस्ट कर लेते। नौकरी मतलब बचपन याद आता है, जैसे स्कूल जाते थे सुबह उठ के, ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था, और एक लाइफ स्टाइल था वो, स्कूल जाना आना, सिस्टम में बनना, फिर कंपटीशन, पढ़ाई, डॉक्टर, इंजीनियर, सिस्टम में बनना, फिर उसके बाद और सिस्टम, अब फिर से नौकरी में सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, वही ब्रेड चाय, फिर ऑफिस जाना, वही खाना खाना दोपहर में। सिस्टम नहीं, चलो चलिए फिलहाल तो सिस्टम से भागा भी नहीं जा सकता, कोविड चल रहा है, तैयार होते हैं। वीकेंड पेट्रोल पंप तक पेट्रोल जाने लायक है कि नहीं? ओह भाई, पिछले 5 मिनट से वाटर टैंकर के पीछे जा रहा है, वो देखो सामने वाला कैसे लेफ्ट राइट ले के कोशिश कर रहा है निकल जाए। बड़ी गाड़ी के आगे से आगे पीछे निकालना बड़ा टफ काम हो जाता है, या तो ऐसे रोड पे अगर आप फंस गए तो बेटर है कि आराम से चलिए पीछे पीछे, जहाँ मौका मिलेगा चौराहे पे वहाँ पे रास्ता ले लीजिएगा। तो सट गए एक बार, इसमें सटला तो गला बैठा भाई, मर्सिडीज से पीछे 10 मिनट से जो है ले रहा है एकदम दबा के पेट्रोल। 300 का पेट्रोल जो है ना ऑलमोस्ट 2.78, पहले 300 का पेट्रोल हो जाता था 3.25 लीटर 3.5 ऐसा होता था 300 में। गर्मी अलग है, टोपी चश्मा मास्क हेलमेट। हमारे ब्रोकर साहब जो अभी फ़ोन, जो एजेंसी है जो दिलाएगी फ्लैट ऑफिस, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक फ्लैट अभी तक में पेट्रोल पसंद आया है, तो उनको एक बार वो एक्नॉलेज कर दें, क्योंकि इनके स्टाफ दिखा रहे थे काफ़ी दिनों से ऑफिस की चर्चा कर रहे हैं, ऑफिस खाली करना है, अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया होगा तो बता देना चाहते हैं। दूसरा कि एक महीने प्रायर नोटिस होता है, तो हमारी फ़ोन पर बात तो हो चुकी है नोटिस को, लेकिन ऑफिशियली मेल या फिर व्हाट्सएप एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो इन्होंने बोला था कि मैं आपको नोटिस दे दूंगा कि आप खाली कर दीजिए, मैं बोला ठीक है, हालांकि हम लोग नोटिस दे चुके हैं वर्बली, मैं बोला आप भेज दो या मैं भेज दूँ, तो अभी तक आया नहीं, आज 7-8 तारीख हो गए, तो गलत हो जाएगा ये थोड़ा, फिर तो आज वो फाइल करना है। और कुछ ऑफिसेस अगर देखने को मिलता है, अभी 2 बज रहा है, खाना खाएंगे उसके बाद देखते हैं, अगर कुछ बनता है तो देखेंगे चल के, कुछ बजट में आ जाता है तो। भाई साहब चलो भाई खाली आ जाए, आ जाओ जाता है यार। क्या खाना ना कोई है क्या? कोई ये सही था कोई है बाहर से लाओ, सीढ़ी में देखो कोई है क्या खाने वाला बुला बुला सब किसी को इधर बुला, अरे खराब होने से अच्छा है यार, कोई है बाहर देखो लॉन्ग सप्लाई मैगी माई फेवरेट और बाप रे भाई गर्दा मचा है, मैगी भी लेके आ गए और चम्मच चम्मच फोक केचप सब निकाले हैं, मतलब खुद ही सल्टाने में लगे हुए हैं। और वसीम भाई मतलब लेके ही जाएंगे, अच्छी बात है भाई। सब जुहू बीच में इंतजार में हैं, हवा खा रहे हैं, और हम लोग की गाड़ी सैटरडे हम लोग की गाड़ी जो है आज निकली है टाउन के लिए वापस। कहाँ जाना, टाउन में क्यों जाना ये मुझे नहीं मालूम है, बस मैं को पैसेंजर बना हूँ गाड़ी के अंदर और बैठ गया हूँ अच्छे दोस्त की तरह कि चलो भाई ठीक है जाएंगे। और वैसे भी सैटरडे है आज, तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं हमारे लाइफ में सैटरडे को। चलिए कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, कैमरा चाहिए, ब्लॉग चाहिए बस, और सब्सक्राइबर चाहिए जो हो नहीं रहे। चलिए वसीम भाई सुरकाइए धीरे धीरे, बहुत ट्रैफिक फंस गए। और
आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ब्लॉगिंग करने की इच्छा नहीं हो रही है, इतना ट्रैफिक है, दिल टूट गया है। नहीं, दिल टूट गया है, इतना ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक है कि दो घंटे, एक घंटे से वसीम भाई मेरे को उठाए अपनी गाड़ी में, डेढ़ घंटा हो गया, और डेढ़ घंटे से अभी हम लोग इधर ही हैं मस्जिद में। अपनी गाड़ी में मतलब क्या, डेढ़ घंटे से बैठा है अपनी गाड़ी में, चार बजे से बोलो ना उठाए अपनी गाड़ी में, मतलब रिस्क तो है ही ना। हम लोग ने गाड़ी पार्किंग किया ऐसी गली में जहाँ पार्किंग बड़ा टफ है, देख रहे हैं मार्केट, देख रहे हैं दोनों साइड फुल ऑन बॉम्बे, दिस इज कॉल्ड बॉम्बे। हम लोग वेट कर रहे हैं, पार्किंग है नहीं यहाँ पे, अब वेरीफाइड हो गया। हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे कि बस जाएगी तो फिर हम लोग पार्किंग यहाँ छोड़ के निकलेंगे, कुछ चाय वाय कुछ इनके थाइज वाइज थोड़ा चलाएंगे, इनको गाड़ी बहुत चला ली है। एक्सप्रेशन देख के एक और बस का ट्रायल ले रहे हैं, वाह ये तो और अच्छे से निकाल दिया। पब्लिक भाग रही है चढ़ने के लिए, अरे 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 ऐसे चढ़ेंगे। वसीम भाई बोले कि दूसरी बस चली जाए तो ड्राइवर अब दोनों निकल जाएगा, मतलब अभी परफेक्ट है, अब तो उड़ाते हुए गया, वो रोक भी नहीं रहा, औरतें दौड़ रही हैं बस पे चढ़ने के लिए। सही है, आज बहुत मेहनत है भाई लाइफ में, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बॉम्बे में हर चीज़ मिलेगा आपको। हमारे फेवरेट स्पॉट पे जिसको बोलते हैं कार्टर रोड, वसीम भाई का फेवरेट स्पॉट आज मिस है, स्पॉट मिस है आज, और पिछले दो तीन दिन से बाहर जाना हो रहा है, कल भी मैं टाउन गया और आज भी 4 बजे, जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक, भीड़ भड़ाका, और फिर से लोग जो है मास्क वगैरह जो है पहनना धीरे धीरे यू नो छोड़ दें, विच इज़ नॉट गुड। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इनिशिएशन होगा थर्ड वेव को बुलाने की, दावतें होंगे, और डेल्टा जो वेरिएंट आया है, डेल्टा वेरिएंट से भी एक कोई प्लस वेरिएंट है विच इज़ मोर डेंजरस, ऐसा मैं पढ़ रहा था, मतलब डेल्टा उसके सामने बच्चा है, इतना ख़तरनाक है वो प्लस वाला, कोविड प्लस, पता नहीं कहाँ का है, क्या है, किस देश में है वो मालूम नहीं, बट लेकिन विच इज़ वेरी डेंजरस। तो ध्यान रखें, मास्क पहने, सीरियस रहें, हंसी मजाक में ये तो दोस्त है, ये तो भाई है, और बिना मास्क के ग्रीटिंग्स ना करें, गले ना मिले, बस यही बताना था। कार्टर रोड पे आके आप समझिए, बहुत सारे लोग जॉगिंग करते हैं, हम भी देखें, देख के आजकल खुश हो जाते हैं, मंगा रहे हैं सबको, मंगाओ भाई, चला जाए, चला चला चला।